हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक वर्ल्ड व्हीकल। दोस्तों, आज मैं आया हूँ प्योर ईवी के शोरूम पे और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेंद्र वर्मा सर, और इनसे जानेंगे कि इनके पास कितने सारे मॉडल्स हैं और इन मॉडल्स पे क्या रेंज ऑफर करती है, तो ये सब कुछ डिटेल जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपका मेरे चैनल में वेलकम। तो सर, आपके पास कितने सारे मॉडल्स हैं और हमारे व्यूअर्स को एक बार इंट्रो आप जरूर दें। हेलो, मैं मोटर रीवा से बात कर रहा था। मैं रीवा में यहाँ पे सर से एग्जीक्यूटिव हूँ। तो अपने पास सर एक्चुअली में क्या है, तीन मॉडल हैं। ये आपका एंट्रांस प्लस है, तो ये लो स्पीड गाड़ी होती है। ओके। इसमें और आपका ये सेकंड मॉडल है, आपका ये एंट्रांस न्यू पड़ेगा। ओके। वो आपका इंक्लूडो 7G, कस्टमर की डिमांड पर इंक्लूडो 7G में सबसे ज्यादा है। ओके। और इसका मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, ये आपका लो स्पीड व्हीकल है। इस पे जो इसकी स्पीड होती है नॉर्मल होती है अप्रोक्स 30 से 35। जैसे कि लो स्पीड मॉडल्स है तो ई ट्रांस नियो आता है या इन ट्रांस प्लस ओनली आता है? इन ट्रांस प्लस इंट्रा, लो स्पीड होती है। अच्छा अच्छा। और इसमें लाइसेंस वगैरह कुछ है? इसमें लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो 40 प्लस होते हैं उसमें आपको आरटीओ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये लो स्पीड है, इसकी स्पीड आपकी 35 तक ही जाती है। ओके। इसमें रजिस्ट्रेशन और सब कोई जरूरत नहीं पड़ता बीमा का। और इसके साथ जो अपडेटेड वर्जन आया तो इस पे और इस पे क्या चेंजेस मिले हैं? इसमें और इसमें आपको बहुत सारी चीजें चेंजेस में मिल जाएंगे। फर्स्ट नंबर आपका, इसमें आपको डिस्क नहीं मिलता लो स्पीड पे। आपकी स्पीड, इसकी स्पीड जो रहती है ज्यादा कम होती है। ओके। किलोमीटर इसकी कम होते हैं और इसकी सीट कैपेसिटी भी कम रहती है, छोटी रहती है। इवन जो लो स्पीड मॉडल आता है उस पे क्या आप रेंज ऑफर करता है सिंगल चार्ज पे? सर इसका जो रेंज है वो एक बार चार्ज होने पे 80 किलोमीटर जाता है, और जो इसकी स्पीड होती है वो आपको 25 से 30 ही मिलती है, जो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है इसका। और जो अपडेटेड वर्जन है उस पे क्या मिल जाती है अभी? अपडेटेड वर्जन में आपको बहुत सारी चीजें अपडेट पे देखने मिलेंगी। इसमें फर्स्ट आपको सबसे लॉन्ग सीट मिलती है जो बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल होती है। अच्छा। मतलब कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले जो सीट की कैपेसिटी है बैठने की वो बहुत अच्छी उन्होंने करके रखी हुई है। अच्छा। आपको इस पे डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ओके। ठीक है। और इसलिए मोटर पे हब मोटर आपका इनबिल्ट है, तो वो भी आपको वाटरप्रूफ रहता है। क्या रियर पे भी डिस्प्ले प्रोवाइड किए गए हैं अपडेटेड वर्जन पे या नहीं? एंट्रांस नियो पे दिए गए हैं, आपको एंट्रांस प्लस में वो चीज नहीं देखने मिलती है। अच्छा। और कुछ इसमें बैटरी में भी कुछ अपडेटेड किया गया है? बिल्कुल। बैटरी की जो आपको पुराने मॉडल पे थी एंट्रांस प्लस पे, जो लो स्पीड की गाड़ी है। ओके। उसमें बैटरी की जो कैपेसिटी वो कम है, उसमें आपका 40 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। 40 वोल्ट। और जो अपडेट होके अपने पास आया हुआ है उसपे जो बैटरी की कैपेसिटी वो लिथियम आयन है। ओके। और इसमें जो कैपेसिटी वो 60 वोल्ट की है, 2.5 kWh की। और मोटर पावर कुछ चेंजेस हुई क्या? तो सेम पावर आपका सेम है, 1.5 kWh की है सर। अच्छा। और इसके साथ बूट स्पेस भी कुछ मिल जाता है क्या, क्योंकि पहले मॉडल्स पे आपको बूट स्पेस नहीं मिलता था? सर जो बूट स्पेस है आपको, जो पहले बैटरी इनबिल्ट रहती तो आपको कुछ रखने का स्पेस नहीं होता था, लेकिन जो अब नया अपडेट मॉडल है इसमें आपका 12 लीटर का एक बूट स्पेस कह सकते हो आप। ओके। इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन, कुछ बॉटल्स वगैरह, टिफिन वगैरह आप उसमें प्रॉपर यूज के हिसाब से अपने रख सकते हो। बिल्कुल। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह में कुछ चेंजेस किए गए हैं नहीं? इस पे नहीं सर, इस पे सेम दोनों पे। और जो अपना ये काफ़ी यूनिक मॉडल है, इसमें क्या बताना चाहेंगे खूबियाँ क्या है? सर ये वेस्पा का एक कह सकते हो, वेस्पा की मैंने सिस्टर, वेस्पा की सिस्टर आप इसको बोल सकते हो, देखने में बिल्कुल लुक लुक वाइज सेम। आप अगर दूर से इसको देखो वेस्पा का ही लुक आना है। ओके। और ये कह सकते हैं अपने कस्टमर जो भी हैं सब ज्यादा इस पे डिमांड पे रहती है। ओके। और कलर चॉइसेस भी अपने पास अवेलेबल रहते हैं, तो कस्टमर से सबसे ज्यादा अगर शोरूम में उन्होंने एंटर किया है तो सबसे पहले उनका माइंड ये रहता है कि सबको ये। तो जैसे आपने बताया कि कलर ऑप्शन कितने मिल जाते हैं इस? सर इस पे अभी कलर ऑप्शन अपने पास है, कलर ऑप्शन में आपको 4 से 5 कलर अपने पास मिल जाएंगे। और प्राइसिंग क्या इसकी रहने वाली? सर प्राइसिंग जो इसका भी ऑन रोड प्राइस है आपका इंश्योरेंस और आरटीओ बाकी इंक्लूडेड करने के बाद वो 95,500 पड़ता है सर। अच्छा। क्या ये अपडेटेड वर्जन है या ओल्ड वर्जन? अभी अपडेटेड वर्जन है, अभी कुछ स्टॉक भी आने वाले हैं, नए आएंगे। ओके। तो उसमें जो चीजें हैं अभी हमको उसकी जानकारी। ओके ओके। और सर इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह आप बताएंगे कि टॉप स्पीड या इसके साथ रेंज क्या ऑफर? इसका जो टॉप स्पीड आपका जाता है इस पे आप एक्चुअली आपको पता होगा इसमें मोड दिए जाते हैं। ओके। तीन मोड है, मोड के हिसाब से आप गाइड ड्राइव करनी है। अगर आप इको मोड पे इसको ड्राइव करते हो तो उसको जो किलोमीटर्स होते हैं वो आपको 120 जाएंगे। ओके। सेकंड आप इसको चेंज करते हो तो राइडिंग मोड पे आता है। ओके। राइडिंग मोड में इसके किलोमीटर थोड़े से कम होते हैं, 100 से 105 होते हैं, और इसकी जो स्पीड है वो आपको 45 तक जाती है। ओके। और थर्ड नंबर जब इसको लेके जाते हो, थर्ड नंबर इसको रेसिंग मोड बोलते हैं, ये अपने टॉप स्पीड 55 से 60 के बीच जाती है। किलोमीटर इसके थोड़े से कम होने के बाद 80 से 90 आपको इसको एवरेज देखने मिलता है।
और लोड कैपेसिटी कितना झेल सकती है इसमें बताएं। लोड कैपेसिटी आपकी 1.5 से 2 क्विंटल वेट आराम से रख सकते हैं इसमें। आप जैसे 2 क्विंटल वेट रख के इसको पहाड़ वगैरह या कैसे थे, कस्टमर की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है कि पहला क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि भैया पहाड़ चढ़ जाएगी कि नहीं चढ़ जाएगी। हाँ, क्योंकि हम लोग उनको बोलना चाहेंगे कि भैया आप लेके जाओ पहाड़ वगैरह हर चीज। हम लोग को जो अपने रियल स्टेट है 3 जगह पहाड़ से गिरा हुआ है, तो हर तरह के कस्टमर आया तो बकायदे वो लेके गए और बहुत खुश हुआ। और इसमें पीछे जो मोटर मिलती है उसमें वाटर प्रूफ रहती है या सिंपल ही मोटर मिलती है? वाटर प्रूफ रहती है, मोटर हम मोटर लगी हुई है उसमें, वो पूरा वाटर प्रूफ रहता है। अच्छा, तो पानी में चलाने में किसी तरह की प्रॉब्लम कोई इशू नहीं? इसके साथ चार्जिंग टाइम क्या होता है इनका? सर इसका जो चार्जिंग टाइम रहता है वो आपका 4 घंटे का रहता है और 3 यूनिट बिजली पे लगती है आपकी, तो इसमें कॉस्ट भी बहुत कम आता है। जैसे 3 यूनिट के बाद 30 रुपए के आसपास समथिंग आता है, वो डिपेंड करता है कस्टमर की कस्टमर पे बिल आ रही है। मैं बोला था मैक्सिमम जो 30 रुपए से ज़्यादा नहीं आएगी। और इस स्कूटर में कुछ खास यूनिक डिज़ाइन या आप बताना एडवांटेज बताना चाहेंगे कि ईवी में क्या रहता है, प्योर ईवी में क्या खास? प्योर ईवी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज कंपनियों को मैंने बहुत सारे हम लोगों ने रिव्यू देखे हुए हैं, बहुत सारे बातें सुनने हम लोग को मिलती, पर अपने ब्रांड में एक चीज़ है कि प्योरिटी है। जो चीज़ें हम लोग कुछ ओवर नहीं बताते, जो चीज़ है कस्टमर को पूरा पूरे A to Z प्रॉपर एक एक पॉइंट कस्टमर को बताते हैं। कस्टमर को जब हम लोग गाड़ी डिलीवर करते हैं तो क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, क्या क्या सेफ्टी आपको करनी है, क्या क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें डिटेल्स हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं कि भैया आपको ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं, वो सारी चीज़ें हम उनको देते हैं। जैसे कि इसमें आप कोई बंदा चार्जिंग में लगा दिया 3 या 4 घंटे, मान लीजिए 6-7 घंटे वो भूल गया, तो इसमें कुछ ऑप्शन मिलता है पावर कट वगैरह? चार्जर पे जो है वो पावर कट का ऑप्शन है। अच्छा। पहली बात तो ये है कि कस्टमर को ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए कि बैटरी अगर जितना आप उसको करोगे तो बैटरी में इफेक्ट करेगा वो, तो अगर फिर भी आपके कहने के मुताबिक कभी केस अगर ऐसा होता है चल रहा है तो बैटरी ऑटोमेटिक कट ऑफ है, उसका कोई इशू नहीं है। और बैटरी इसमें कुछ और ऑफर मिलते हैं कि बैटरी किसी कस्टमर को डुबल लेनी है तो मिल सकती है क्या? अपने पास 24 आवर्स अवेलेबल रहती है, कस्टमर आके बैटरी परचेस कर सकते हैं। एक बार इन मॉडल्स का वारंटी के बारे में थोड़ा कस्टमर को बताइए कि वारंटी क्या ऑफर करती है कंपनी? वारंटी का ऐसा ऐसा देखिए, दोनों मॉडल के फीचर्स आपको सेम मिल रहे हैं जी। आपको बैटरी कैपेसिटी, मोटर कैपेसिटी और जो इसका कंट्रोलर है वो फीचर्स आपको दोनों मॉडल पे सेम देखने हैं। ओके ओके। तो इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो 3 साल की और 40,000 किलोमीटर की। सेकंड है इसका मोटर भी हब मोटर लगा हुआ है तो इस पे 1 साल की वारंटी और 30,000 किलोमीटर की मिलती है। ओके। और कंट्रोलर है उसका 1 साल 20,000 किलोमीटर है। और कस्टमर को हम लोग चार्जर का भी वारंटी देते हैं, इनकेस जैसे कस्टमर लेके गया चार्जर, चार्जर में कोई फॉल्ट आता है उसकी भी 1 साल और 20,000 किलोमीटर की है वारंटी मिलती है। बिल्कुल। और कस्टमर अगर चाहे तो उसको एक्सटेंड भी करा सकता है। तो इसमें कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है या सिंपली हो जाता है? बिल्कुल, एक्सटेंडेड वारंटी के लिए आपको थोड़ा सा कॉस्ट पड़ता है, 3,000 रुपये आपको पे करने होते हैं। उसमें आपका बैटरी की जो वारंटी वो 2 साल के लिए पड़ती है, मतलब हर पार्ट्स की जो है वो 2 साल बढ़ जाती है। अच्छा, तो इसके बारे में सर्विस के बारे में थोड़ा बताएं कि सर्विस आपका शोरूम के पास होगा या कहीं दूर? सर्विस वगैरह शोरूम के बगल पे ही बना हुआ है। अच्छा, चार सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको 1 रुपये नहीं लगना है। जैसे सारी कंपनियां अपनी कॉपी वगैरह प्रोवाइड करती है, सेम हमने प्रोवाइड की हुई, कंपनी ने प्रोवाइड की हुई है। ओके। तो उसमें आपको टाइम टू टाइम उनको सर्विस पे लेके आना है। और सर्विस में कहूँगा सारी चीज़ें अगर प्रॉपर हम लोग खुद चेक करते हैं, बैटरी की हेल्थ हो गई, वायरिंग हो गई, सारे पार्ट्स हो गए, कोई भी चीज़ अगर इश्यू होता है तो कस्टमर खुद बताता है। अगर वो नहीं बता पा रहे तो एक बार खुद हम लोग एक बार खुद वेरिफिकेशन करते हैं, कस्टमर कोई दिक्कत तो नहीं। और इसमें कितनी सर्विस फ्री रहती है, फिर उसके बाद चार्ज पे करना होता है? आपको चार सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी जितनी भी सर्विस होती है चार सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आपको जो सर्विस भी आप लेके उसके जो अमाउंट है थोड़ा बहुत वो आपको पे करना पड़ता है, 200 से 250 रुपये। और आपके यहाँ अभी ये फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है या नहीं? सर अपने यहाँ फाइनेंस होता है, अपने यहाँ पे 2 फाइनेंस कंपनी है, ICICI बैंक का है और IDFC फर्स्ट बैंक का है। तो दोस्तों यहाँ इस शोरूम पे यदि आप विजिट करना चाहते हो तो आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ फाइनेंस की सुविधा भी अवेलेबल है। एक बार मैं सर से पूछना चाहूँगा, सर एड्रेस थोड़ा कंफर्म कराएं हमारे व्यूअर्स को। सर माया मोटर्स दीनदयाल पड़वा नियर सीट पे। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यदि और भी कुछ से आपके सवाल हैं तो कमेंट पे जरूर कर सकते हैं। यदि आपको टेस्ट राइडिंग लेना है तो यहाँ ज़रूर विजिट करें। और सर कुछ और एडवांस जोड़ना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि? बिल्कुल सर, मैं आपको कुछ चीज़ें और एडिशनल बताना चाहूँगी। इसकी जो बैटरी लगी हुई है लिथियम आयन, मैंने बताया था ये पोर्टेबल है। ऐसे ही बहुत सारे कस्टमरों के घर सेकेंड फ्लोर पे होते हैं, रेंटेड होते हैं और
रोड से बहुत अंदर भी होते हैं। हाँ, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको लेके जाएं, बैटरी इनकी पूरे का आपको MCVS पे MCV का ऑप्शन दिया जाता है, MCV आपको बंद कर दीजिए। MCV बंद करने के बाद बैटरी निकाल के आपको घर के अंदर भी चार्ज कर सकते हैं, तो बैटरी को रिमूव कर कहीं भी ले जा सकते हैं, बैटरी रिमूवल है, और चाहे तो आप डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हैं। वो आपको पार्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्किंग जहाँ पे आपने गाड़ी खड़ी की है वहाँ पे आपका पोर्ट बना हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बैटरी निकाल कर आप चार्ज करना चाहते हैं या स्कूटर पे लगा हुआ बैटरी चार्ज करना चाहती हैं, तो ये भी आपको सुविधा मिल जाती है। ऐसे मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि ये कंपनी बेसिकली है कहाँ की और इनके और भी कुछ ब्रांड्स आते हैं या नहीं? सर जैसे कि आपने बताया इसका एड्रेस जो है वो हैदराबाद ही मैन्युफैक्चर, पूरी कंपनी जो है मैं हैदराबाद में बनी हुई है। IIT का जो कैंपस है उसके जस्ट आपके बगल पे इसका पूरा का पूरा सेटअप लगा हुआ है। IIT के स्टूडेंट और DRDO के कुछ स्टूडेंट ने मिलकर इसको इन्वेंट किया हुआ था। okay. और इसके बाद आपने जो नया मॉडल के बारे में बात की है, बिल्कुल अपने पास नया मॉडल व्हीकल टू व्हीलर आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो ये मान के चलते लास्ट मई पे या स्टार्टिंग मई पे आपका हम लोग को मोटरसाइकिल भी कस्टमर को प्रोवाइड करना चालू कर देंगे। तो दोस्तों बहुत ही जल्द इस शोरूम पे मोटरसाइकिल भी आने वाली है, तो आप एक बार इस शोरूम पे ज़रूर विजिट करें, आपको डिस्क्रिप्शन पे एड्रेस मिल जाएगा। थैंक यू सर।